हाय गाइस, ये मेरे पास जियो 220 है। इसका प्रॉब्लम था, इसमें फुल शॉट था तो ज़्यादा मैं ट्रेस किया नहीं। इसका पावर आईसी फॉल्ट था तो पावर आईसी मैंने ट्रेस किया कि पावर आईसी इसमें हीट कर रहा था, तो इसको मैं सीधा निकाल के और मेरे पास ऑलरेडी दूसरा पावर आईसी था तो मैंने इसमें डाल दिया हूँ, जो कि आप देख ही सकते हैं। देखते जाइए, और मेरे पास डिसोल्डर वायर थोड़ा नॉर्मल ही था। मेरे पास जो मैं यूज मैकेनिक का करता हूँ तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास जो नॉर्मली है वही उसी से मैंने काम चला लिया इसमें। मैं ज़्यादातर मैकेनिक का ही चीज़ यूज़ करता हूँ। ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए कि यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरी तरह से तो कोई भी मोबाइल आए हैं ये जियो का, उसमें आप आराम से पावर आईसी चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है और ये वीडियो आपको रियल है, कोई कट वट नहीं है। मैं काटता नहीं हूँ, बस मेरे को यही है कि कोई पकड़ने वाला नहीं था तो मैंने यूं ही खड़ा कर दिया था किसी चीज़ से। अब आईसी को पहले मैं सफाई करूँगा, देखिए। ये पहले मैं सफाई कर लेता हूँ। फिर इसके नीचे आप आईसी के नीचे आप कुछ भी ऐसा चीज़ रख सकते हैं कि जैसे आपका आईसी इधर उधर भागे नहीं। और स्टेंसिल आपके पास यदि परफेक्ट इसका स्टेंसिल है तो बहुत अच्छा। वैसे मैं ज़्यादातर यूनिवर्सल से ही करता हूँ, मेरे को यूनिवर्सल ही ज़्यादातर अच्छा लगता है।
और इसी में हीट आप 300 350 तक रख सकते हैं। और ईयर जो है ईयर आप 1 भी रख सकते हैं, 1 से 4 तक रख सकते हैं। अब ये आईसी हो गया, रिवॉल्व हो गया, इसको बढ़िया तरह से सफाई कर लेंगे। सफाई अच्छे से करेंगे कि जो कि उसमें डस्ट ना रहे। उसके बाद बोर्ड में लगाएंगे। और ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि आपको भी कुछ फ़ायदा मिले और भाइयों को भी फ़ायदा मिले। तो ये मेरा जो वीडियो है ये शेयर करिएगा, जो भाइयों को रिवॉल्विंग में परेशानी आता हो तो उनको शेयर करिएगा, उनके लिए फ़ायदे का ये चीज़ है। इसमें मैंने ऐसे को बैठा लूँगा और एयर और हीट तो वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। ये बस छोटा सा वीडियो है, देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको कुछ सीख मिलेगा, अदर कुछ सीख नहीं पाइएगा। और यदि भाइयों आप सब देख रहे हैं तो इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यानी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जो भी है आपका जो दिल करे, ठीक है। मेरा बनाने का मकसद ये था कि आपको भी बेनिफिट हो, आपको फ़ायदा हो और दूसरों भाइयों को भी फ़ायदा हो। लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया, अपने दिल से बनाया है। मैंने कहीं कट वट नहीं किया वीडियो, जो भी है आप ही के सामने है, मेरे पास कोई दूसरा और भी कोई आदमी नहीं था कि उसको कैमरा पकड़वा सकूं। तो मैंने कोई डिब्बा के सहारे मोबाइल से बना रहा हूँ, डिब्बा के सहारे। देखिए ये जो प्रिंट है, प्रिंट भी उखड़ गया है डिस्प्ले का, फिर भी मैं इसमें कोशिश करूँगा कि डिस्प्ले मेरा आ जाए। और यदि आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए या इससे ही बेहतर वीडियो चाहिए, स्मार्टफोन में चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन में चाहिए, तो आप हमको वही बोलना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
फॉलो करिए, फॉलो करिएगा हमको, सब्सक्राइब करिएगा। तो जैसे कि कोई आदमी ज्वाइन होता है तो जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा, आप मेरा जैसे कि वीडियो बनाने का थोड़ा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, और ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कहीं कट छट नहीं होगा, कहीं कोई चीज़ वैसा वीडियो नहीं होगा, वीडियो एकदम आपको फ्रेश मिलेगा। अब आपको चार्जिंग में लगा के दिखाता हूँ मोबाइल को, देखिए थैंक यू।